सर ये हर ग्रह से रिलेटेड जो है कुछ देवता हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, प्लांट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ, अब यहाँ पे जब उपाय सेलेक्ट किए जाते हैं किसी भी जन्म पत्र में, तो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में ऐसा देखा गया, जैसा अभी आप जनरल देखें कोई भी व्यक्ति किसी भी परेशानी के लिए जन्म पत्र देख के कुछ भी उपाय बता देता है जिसके पीछे कोई भी लॉजिक या तर्क संगतता नहीं हुआ करती है। लाल किताब की जो मुख्य बात यह है कि इसमें हर ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं जी, हर ग्रह से संबंधित देवता है, हर ग्रह से संबंधित वृक्ष है, जानवर है, रिश्तेदार हैं। सिद्धांत के अनुसार अगर उस ग्रह से जो ग्रह से आप पीड़ित आपको कर रहा है, जिसका जो ग्रह आपका अशुभ चल रहा है, उसके संबंधित देवता की पूजा करना उस ग्रह का उपाय हो जाता है। उस ग्रह से संबंधित वृक्ष पे जल देना, जैसे उदाहरण के तौर पे बृहस्पति के का वृक्ष पीपल है, पीपल पे आप अगर जल देंगे तो बृहस्पति ग्रह का उपाय होगा। बृहस्पति ग्रह की वस्तुएं हैं जैसे कि चने की दाल, केसर, पीला वस्त्र, ये बृहस्पति ग्रह की वस्तुएं हैं। तो चने की दाल का दान करना बृहस्पति का उपाय हो जाएगा, केसर का तिलक लगाना या केसर खाना या केसर नाभि पे लगाना, ये बृहस्पति ग्रह का उपाय होगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति का केतु पीड़ित है, केतु अशुभ चल रहा है, तो केतु का जानवर कुत्ता हुआ करता है, तो कुत्ते को भोजन देना, कुत्ते की सेवा करना, भोजन देना केतु ग्रह का उपाय हो जाता है, फिर केतु ग्रह अशुभ फल नहीं देता। इसी प्रकार से उस ग्रह का रिश्तेदार है, जैसे किसी का मंगल अशुभ चल रहा है, तो उसे अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई का संबंध मंगल से होता है। तो मंगल ग्रह के उपाय के हेतु यह होगा अपने भाई से झगड़ा ना करें, उससे अच्छा मेल मिलाप बनाए रखें, तो मंगल ग्रह का उपाय होता है। इसी प्रकार से बृहस्पति ग्रह के संबंधित रिश्तेदार बाबा हुए, वृद्धजन हुए, गुरु हुए, तो इन सब का आदर करना, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना, ये बृहस्पति ग्रह का उपाय हो जाता। ये इस प्रकार से व्यवस्था है उपायों की।